तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और योगिन भाई गालियां दे रहा है, ये मेरे को लेके जा रहा है अभी कहाँ, ऑक्सफोर्ड सर्कस। लंदन आने के बाद भी सर्कस दिखा रहा है मेरे को, देखो। अभी चलते हैं। और कल आ गया था मैं रात को यहाँ पे, थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अभी नहा धो के फ्रेश होके निकले हैं बाहर, कुछ खाएंगे पियेंगे। अबे वो मैंने थोड़ा तेल नहीं लगाया बालों में, इसलिए बस अच्छा नहीं लगता फिर। चलो फिर क्या खिलाएगा अभी? काठी रोल। चलो काठी रोल खाते हैं फिर घूमने चलते हैं सर्कस देखने। और बाकी एक और दोस्त है मेरा राघव, वो भी लंदन में रहता है, उससे मिलवाते हैं आपको। और रोहित भी आया हुआ साथ में, तो सब मिलते हैं एक साथ। बाकी आगे का आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस अभी पहुँच गए हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। यहाँ योगिन भाई बता रहे हैं कि सारी औकात से बाहर की चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ बहुत महंगा है यहाँ पे। बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी ब्रांड है ना, बहुत महंगे हैं। तो हम इसलिए बाहर घूम रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे किसी शॉप के, क्योंकि अगर अंदर चले गए तो हमें कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, फिर वो ले पाएंगे नहीं तो मन ख़राब होगा इसलिए। मस्त जगह है यहाँ पे, अभी हम लोग काठी रोल खाने आए हैं। ये राघव, ये रोहित को तो जानते हो तुम लोग, ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, इसको तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जगह अच्छी है, पूरे इंडियन पोस्टर में पोस्टर लगे हुए हैं ना इंडियन मूवीज के, और ये छत पे पत्रा लगा हुआ है, मस्त है। तो भाई अभी ये पता नहीं कहाँ आ गए घूमते घूमते, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। क्या नाम इस जगह का राघव? ग्रैनरी। यहाँ पे लाइट लगी हुई थी लास्ट टाइम, क्रिसमस पे मस्त डेकोरेशन। अच्छा, जगह तो मस्त है, सब चलता है इस गली में। मेरे कान खड़े हो। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मस्त जगह है भाई, पर वाओ कितना सही जगह है ना भाई। क्लब मेक्सिकाना, तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं लंदन का टाइम्स स्क्वायर। लंदन का टाइम्स स्क्वायर, यहाँ सारे बड़े बड़े कंपनियों की एड्स लगा रखे हैं इन्होंने। ये शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिल्डिंग, अभी बनने के बाद ऐसे ही दिखेगा जैसा ये दिख रहा है अभी पोस्टर पे। ये देखो, ये ऐसे ऐसे टेलीफोन बूथ आपको पूरे लंदन सिटी में देखने को मिल जाएंगे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे है। किधर है चलें? ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। स्ट्रिप क्लब क्या है योगिन भाई, लेकिन नहीं जा रहा मेरे को फिर स्ट्रिप क्लब। हम लाइक क्यों नहीं है, पैसा नहीं, पैसा पैसा तो मेरा है ना, रोकड़ा बहुत ज्यादा बनता है तेरा, मेरे को घुमाना तो बनता है तेरा, तो घुमा रहा है। अभी सिटी बस का टूर लेते हैं ऊपर बैठ कर। हैरी पुत्र, हाँ कहाँ है वो? हाँ हैरी पुत्र की शॉप में चलते हैं, लेते हैं वो जादुई गमछा। गाइस यहाँ पे हैरी पुत्र की शॉप में सब कुछ हैरी पॉटर का है, जैसे कि ये डायरी। पहुँच गए हम लोग चाइना टाउन, चाउमीन चाइना टाउन में चाउमीन खाएंगे। मेरे को तो भूख नहीं है अभी कुछ खाने की,
फैशन देख लो इसका बंदे का, नूडल वाला बर्गर। बेकार है जगह क्योंकि यहाँ बदबू आ रही है। यह है भाई बिग बैन, पहुंच गए हैं बिग बैन के पास। और ये पार्लियामेंट है इधर, ये पार्लियामेंट और ये इधर बिग बैन है। Glad there's a bit of shade here. It's getting very warm in this. Perfect. Thank you. And then if you could please just grab hold of one end of the chain like we rehearsed. Thank you. And I'm just going to ask one more person to help with the other end. This would literally take 2 minutes. But and then just stop there for a second, guys. Can you both slowly pull the chain towards you again? Yeah. Okay. And then out. Oh my God, I can barely breathe. No reaction. Welcome to London. So friendly here. And then one last, please, one last time, slowly around the back. पहुंच गए हम लंदन ब्रिज। ये कौन सी बिल्डिंग है भाई, ये डोम टाइप? ये क्या ये स्नेल? हाँ अच्छा, इसकी शेप भी तो वैसी है उसकी शेल जैसी। कितना क्राउड है ना उधर ब्रिज के ऊपर। एक पीछे मोरगेट की एंट्रेंस है और पीछे एक उधर से एंट्रेंस है और एक उसके बैक साइड से एंट्रेंस है। तो गाइस ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड है जहाँ पे राघव भाई, राघव काम करता है एज ए डेटा इंजीनियर। तो ये हम लोगों का खुद का ऑफिस दिखाने लाया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये उनका ऑफिस है जो मेन ऑफिस है। काफ़ी सही लोकेशन पे है, बिल्कुल सिटी ऑफ लंदन के बीच में है। अच्छा मैं बता दूँ, देखो लंदन अलग सिटी है और जो सिटी ऑफ लंदन है वो अलग सिटी है, क्योंकि जो लंदन की जो पुलिस है वो सिटी ऑफ लंदन में काम नहीं करती, उनकी अलग पुलिस है। तो ऐसा इनका है थोड़ा रूल, वो मेरे को भी नहीं पता, वो अभी राघव भाई ने और योगी ने बताया मेरे को। When you're feeling down on your luck, your time is stuck, enough is enough. You gotta pick yourself up, cause life gets hard. It might leave scars, could tear you apart if you let it be smart.